उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनने जा रही है भारतवर्ष की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। ये बेहद अत्याधुनिक फिल्म सिटी होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगी, जबरदस्त बड़े बड़े यहां पर स्टूडियोज होंगे और इस फिल्म सिटी का उद्देश्य बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री, तमिल की फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु की फिल्म इंडस्ट्री और यहां तक कि हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की फिल्म सिटी में लाना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2018 के अनुसार सरकार इस फिल्म सिटी के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी और ये भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमीन भी उपलब्ध करा दी है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस फिल्म सिटी के लिए जमीन तैयार कर ली है, यानी कि जमीन का चुनाव कर लिया है और वो जमीन सरकार को बता दी है। योगी आदित्यनाथ ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है, यानी कि ये तय हो चुका है कि ग्रेटर नोएडा में ये फिल्म सिटी बनने जा रही है और उसके लिए जगह भी तय हो चुकी है। इस फिल्म सिटी का अपना एक अलग से पुलिस स्टेशन होगा, एक फायर स्टेशन होगा, ताकि फिल्म सिटी की सुरक्षा सुनिश्चित करवाई जा सके। योगी आदित्यनाथ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने का प्लान बनाया है उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष तरुण राठी ने। तरुण राठी ने हमें ये बताया कि पूरा प्लान तैयार हो चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में इस तरह की फिल्म सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तरुण राठी ये कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गजों से मुलाकात की है, उनको ये प्लान बताया है और वो सभी उत्तर प्रदेश में आकर अपने अपने स्टूडियोज बनाने के लिए तैयार हैं, यानी कि उन्होंने हामी भर दी है। 5 ऐसे बड़े निर्माता हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्तर प्रदेश की इस फिल्म सिटी में आकर अपनी फिल्में बनाना चाहते हैं। तरुण राठी ने यह भी बताया कि इस फिल्म सिटी में एक मीडिया यूनिवर्सिटी भी होगी, ये इंटरनेशनल मीडिया यूनिवर्सिटी होगी और बाकी मीडिया यूनिवर्सिटी से ये ज़्यादा बेहतर होगी, अलग होगी। हॉलीवुड के कलाकार यहाँ आएंगे, हॉलीवुड के निर्माता निर्देशक यहाँ पर आएंगे और उनकी फिल्मों की, हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर होगी। योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं, ऐसा तरुण राठी कहते हैं कि ये लेटेस्ट फिल्म सिटी होगी जिसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं हम फिल्म निर्माता निर्देशकों को देंगे ताकि वो यहां का काम कर सके। तो ये वर्ल्ड क्लास लेटेस्ट फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 29 में यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगी। सरकार ने वो जमीन फिल्म सिटी के लिए आवंटित कर दी है। 2023 तक ये फिल्म सिटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और इस फिल्म सिटी में क्या क्या होगा, इसमें एक इंडस्ट्रियल एरिया होगा जिसमें स्टूडियोज होंगे, बड़े बड़े सेट्स लगे होंगे, 780 एकड़ में ये फैले होंगे, 220 एकड़ का कमर्शियल पर्पस में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस फिल्म सिटी को कई जोन्स में बांटा गया है, एक जोन में बड़े बड़े सेट्स होंगे, स्टूडियोज होंगे, तो दूसरे जोन में कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए वहां बड़े बड़े होटल्स भी बनेंगे। क्या क्या होगा हम आपको बताते हैं। पहले जोन में एंट्रेंस ऑफिस, पावर स्टेशन, कम से कम 3 बड़े 5-स्टार होटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे। दूसरे जोन में फूड कोर्ट, आउटडोर राइड्स, इंडोर राइड्स, आउटडोर लोकेशन होंगी। तीसरे जोन में विलेजेस और बंगलोज होंगे, जबकि चौथे जोन में क्लब हाउस, एयरपोर्ट ऑफिस, वेयर हाउस, फ्यूल हाउस वगैरह होंगे। इस फिल्म सिटी में जो स्टूडियोज बनाए जाएंगे उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, वर्ल्ड क्लास ये स्टूडियोज होंगे और हर सुविधा आपको एक फिल्म बनाने के लिए इस फिल्म सिटी में मिलेगी, चाहे वो आउटडोर हो चाहे इंडोर, जिस भी तरह की, हर तरह के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स यहां पर होंगे। जैसे स्टूडियोज में स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज होंगे, ग्रीन स्क्रीन हॉल्स होंगे, वीडियो एडिटिंग रूम्स बनेंगे, साउंड मिक्सिंग रूम्स बड़े बड़े होंगे, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज यहाँ पर होंगे, ब्लू स्क्रीन हॉल होंगे, एक वर्क स्टेशन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया है कि ये फिल्म सिटी नई दिल्ली से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर होगी, ग्रेटर नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक होगी। जेवर एयरपोर्ट एशिया का पहला सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो जल्द पूरा होने जा रहा है
और इससे फिल्म उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, उत्तर प्रदेश को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में बनने वाली फिल्में अब आकर उत्तर प्रदेश में बने। योगी आदित्यनाथ ने यह भी उम्मीद जताई है कि अब हम जल्द ही उत्तर प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे और ये उत्तर प्रदेश के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए फिल्म जगत के कई दिग्गजों से हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की है और उन्होंने इस फिल्म सिटी के बारे में फिल्म जगत को अवगत करा दिया है। राज्य सरकार ने फिल्म सिटी के लिए जमीन को अप्रूव भी कर दिया है।